सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब? आई होप सब बड़े होंगे एंड आगे भी बढ़े रहें। तो गाइस, जैसे कि मुझे बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि ज़ेरॉक्स के थंबनेल का ट्यूटोरियल लाओ, तो मैं लेके आ गया हूँ। ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई मुझे वीडियो टॉपिक बताए और मैं उसके ऊपर वीडियो ना लाऊं। तो भाई, अगर आपको भी कोई वीडियो टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर लाने का ट्राई तो करूँगा। ठीक है, तो गाइस, जो भी हमारे इस वीडियो में पैक यूज़ हुआ है, उस पैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, उसका पैक का लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में पिन। ठीक है, और गाइस, इस वीडियो में जो आपको थंबनेल बनाना सिखाऊंगा वो ये वाला थंबनेल है ज़ेरॉक्स एफएफ का। मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे इस वाले थंबनेल के ट्यूटोरियल के ऊपर, तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए ले आया हूँ। तो भाई लोग, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर लेना। आप लोग बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे नहीं करते हो जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जा ही नहीं पाती है, इसलिए यार नोटिफिकेशन को भी ऑल पे रख लेना। एंड हाँ यार, कुछ आपसे बात करनी थी तो मैं चलो बता ही देता हूँ। वो बात ये है कि हमारे चैनल पे कंप्लीट होने वाले 3K सब्सक्राइबर्स, तो यार जल्दी से जल्दी यार सब्सक्राइब करो। जिन बंदों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो भाई लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, हमें 3K कंप्लीट करना है गाइस। तो चलिए बिना कुछ देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना PSC ओपन करके 9020 एंड 1080 का प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके ओके कर देना है, एंड नीचे लेयर वाला ऑप्शन मिल रहा होगा, उस प्लस वाले आइकन पे जाके आपको एक बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लेना है, और फिर दोबारा प्लस वाले आइकन पे जाके आपको एक कैरेक्टर भी इंपोर्ट कर लेना है। इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और फिर जो कैरेक्टर था उसकी सैचुरेशन थोड़ी बढ़ा देंगे, और फिर FX पे आके बीविल दे देंगे। बीविल में आपको ब्लर जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा देना होगा बस, बाकी सब जो है उसे वैसे का वैसे ही रहने देना। ठीक है, अब एम्प्टी लेयर निकाल लेना है कैरेक्टर के ऊपर, और एंड पे जाके फिल कर देना है आपको कुछ डार्क कलर में, ऑरेंज में बहुत डार्क होना चाहिए कलर, उसमें जाके इसे फिल कर देना है, एंड पे जाके फिर फेड दे देना है, एंड फेड देना है कुछ इस टाइप से। जैसे आप देख सकते हो दो डॉट दिखाई दे रहे थे, उसको आप आगे पीछे या ऊपर नीचे करके देख लेना। एंड भाई लोग, ये मैंने टेक्स्ट आप लोगों के लिए पहले से ही रेडी कर रखा है, अगर आपको चाहिए तो ये वाला पैक में मिल जाएगा, ले लेना, और नहीं तो मैं आपको बनाना सिखा भी देता हूँ। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना टेक्स्ट ले लेना है, एंड टेक्स्ट को यहाँ पर अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। पहले सिलेक्ट करना है, एंड फिर प्लस वाले आइकन पर जाके लेयर फॉर्म सिलेक्शन, और फिर नीचे वाले लेयर पर जाना है, फिर पेंसिल वाले टूल पर जाके क्लियर कर देना है, जिससे कि अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हम मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो ट्रिक शॉट लिखा हुआ है इसे थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, और जो दा लिखा हुआ है इसे थोड़ा बड़ा कर दूँगा यहाँ पर, जिससे कि हमारा टेक्स्ट देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा और ओपी सा, मतलब एस्थेटिक जैसा लुक आ जाएगा इससे। ठीक है, तो देखो भाई लोग, अब हम क्या करेंगे, ट्रिक शॉट को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, जो हमारा दा लिखा हुआ है उसके कंपैरिजन में छोटा कर देंगे काफ़ी ज़्यादा, और जो इस बैक लिखा हुआ है उसे ट्रिक शॉट के कंपैरिजन में और छोटा कर देंगे। तो यहाँ पे जो हम इस बैक लिखा हुआ है इसे भी छोटा थोड़ा कर देते हैं, एंड फिर सबको अलग अलग ग्रेडियंट दे देंगे। ठीक है, और ग्रेडियंट देना भी मैं आपको चलो सिखाई देता हूँ। पहले दा वाले पैच वाले टूल पे जाना है, फिर सिलेक्ट पिक्सल करना है, फिर एंड पे जाना है, फिर ग्रेडियंट दे देना है। अब ग्रेडियंट देखो, आपको दोनों तरफ वाइट वाइट कलर सेलेक्ट कर देना है, फिर एक तरफ हल्का सा ब्लैक करना है, एकदम हल्का सा। ठीक है, उसकी ब्राइटनेस को 80% रख सकते हो आप, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, फिर उतना करके छोड़ देना है। फिर यहाँ पे आप जो इस बैक लिखा हुआ है इसके पेंसिल वाले टूल पे जाके सिलेक्ट पिक्सल करेंगे, और फिर इसे भी वही सेम ग्रेडियंट दे देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, इतना देने के बाद राइट पे क्लिक कर देना, एंड जो ट्रिक शॉट लिखा हुआ है अब इसकी बारी आई ग्रेडियंट देने की, तो इसे ग्रेडियंट देना है यहाँ पे ऑरेंज, और यानी कि आप इसे येल्लो रख सकते हो एक तरीके से कलर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसे ग्रेडियंट दे, वैसे आप इसे पेंसिल वाले टूल पे जाके फिर एंड पे जाके फिल भी कर सकते हो, है ठीक है कलर का, और फिर प्लस वाले आइकन पे जाना है, और तीनों लेयर्स के जो टेक्स्ट का लेयर था उनको यहाँ पे मर्ज डाउन कर देंगे, और अब इसके जो पेंसिल वाले टूल पे जाके सिलेक्ट पिक्सल करेंगे, और ऊपर वाली जो हमने अभी प्लस वाले आइकन पे जाके ये वाला टेक्सचर निकाला था, ऐड किया था, उस पे जाके एक्सट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे हमने। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हम यहाँ पे कर देंगे इसे ओवरले, हाँ ओवरले कर देंगे यहाँ पे, और इसे ब्लैक एंड वाइट कर देंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे जो टेक्स्ट में टेक्स्चर जो था हमारा वो काफ़ी ज़्यादा मस्त दिखने लगा है। तो अब दोबारा से जो हमारा टेक्स्ट था उसके सिलेक्ट पिक्सल करेंगे, और फिर जो हमारा ऊपर वाला लेयर था उस पर जाके एक्सट्रैक्ट कर देंगे, और एक्सपेंड कर देंगे इसे एकदम अंदर की तरफ। ठीक है, और फिर दोबारा एक्सट्रैक्ट कर देंगे,
अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, जो ट्रिक शॉट लिखा होता है ना, पहले इसको थोड़ा हम ओपेसिटी में बड़ा कर लेते हैं। हाँ, जो ट्रिक शॉट लिखा हुआ है इस पर हमारा ना ये टेक्स्चर अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे सिंपली हम पेंसिल वाले टूल पे जाके इसे क्लियर कर देंगे, है ना। क्लियर कर दिया हमने यहाँ पे, जिससे कि सिर्फ ये दा और इस बैक पे रहेगा। चलो चलो, यहाँ पे हमारा टेक्स्ट रेडी हो चुका है। तो अब इसे बारी आई इसको अच्छे से सेट करने की, तो इसे अच्छे से सेट कर लेते हैं यहाँ पे हम। और अब क्या करेंगे, एम्प्टी लेयर निकाला हमने, अब जो इस जो टेक्स्ट था उसको सिलेक्ट पिक्सल करेंगे। एम्प्टी लेयर निकाली थी उसे नीचे ही रखना है टेक्स्ट के, टेक्स्ट वाली लेयर की, और फिर ट्रांसफॉर्म कर देना, और ट्रांसफॉर्म नहीं सॉरी एंड पे जाना है, फिर एंड पे जाके स्ट्रोक दे देना है, ठीक है। फिल एंड स्ट्रोक पे जाके स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक आप दे सकते हो 40 तक का, ठीक है, 40 तक का ही दे सकते हो। हाँ, 40 तक का सही रहेगा, परफेक्ट एकदम। और इसे आप अपने हिसाब से कलर रख सकते हो, मैं यहाँ पे एकदम डार्क कलर रखूँगा, तो आप अपने एक हिसाब से डार्क कलर रख सकते हो, नहीं तो सिंपल रेड भी रख सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे देखने में। तो अब इसे क्या करना है, दोनों को सिंपली यहाँ पे मर्ज डाउन कर देना है, और अब इसको जो है कैरेक्टर के पीछे ले जाना है, और इसे अच्छे से सेट कर लेना है। और गाइस आप देख सकते हो मैंने इसी टेक्स्ट से अपना ये पीछे का बैकग्राउंड बनाया था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बैकग्राउंड बनाना नहीं सिखाया, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता, और वैसे भी आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हो यार, स्किप कर करके देखते हो बस जो मेन पार्ट होता है, तभी आप लोग अच्छा थंबनेल नहीं बना पाते हो, एक इसी वजह यही वजह होती है, तुम लोग स्किप करते हो ना, जहाँ पे सीखने वाली चीज़ को सीखोगे नहीं वहाँ पे स्किप करोगे फालतू में, तो यही तो होगा यार, अच्छे से सीखा करो ना। अब यहाँ पे हम अपना ग्लो का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, एम्प्टी लेयर पे जाना है एंड उस पर जाके स्ट्रोक दे देना है 4 का, फिर एक्सट्रैक्ट कर देना है, फिर एफएक्स पे आके ग्लो दे देना है यहाँ पे आपको येलो कलर का, एंड फिर लीनियर डॉट्स करना है, फिर दोबारा एफएक्स पे आके ग्लो दे देना है, इस बार ग्लो का ब्लर जो है उसे हाई कर देना है, एंड फिर एफएक्स पे आके डायरेक्शन ब्लर देना है, एंगल आप देख लो कैसे रख सकते हो, और डायरेक्शन ब्लर 2 का देना है, और गॉशियन ब्लर फिर यहाँ पे दोबारा से देना है गॉशियन ब्लर, और गॉशियन ब्लर का भी जो वो था उसे 2 का ही रखना है यहाँ पे। तो इतना करने के बाद और हमारा ग्लो रेडी हो चुका है, फिर एंड पे जाके फेड दे देंगे यहाँ पे सिंपली हम, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, तो नीचे से यहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा ग्लो देखने में अच्छा लगने लगा है। ग्लो वगैरह देने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमारा करेक्टर था उसके नीचे वाली लेयर पे चले जाना है, एंड फिर प्लस वाला आइकन पे जाके आपको ये वाला ग्लो जो पार्टिकल था इसे ले लेना है, ये वाला भी आपको पैक में मिल जाएगा, और फिर इसे लीनियर डॉज करके एफएक्स पे आके गॉशियन ब्लर दे देना है, और ब्लर उसका पूरा हाई कर देना है, ठीक है, जैसे मैंने दोबारा से किया, एंड फिर एम्प्टी लेयर निकाल लेना है। एम्प्टी लेयर निकालने के बाद एम्प्टी लेयर जो निकालनी है वो अपने कैरेक्टर के पीछे की तरफ निकालनी है, और ब्रश वाले टूल पे जाना है, ब्रश वाले टूल पे सब चीज़ उसकी हाई रखनी है, बस साइज अपने हिसाब से रख सकते हो आप, ठीक है। फिर उसे लीनियर डॉज करके एफएक्स पे आके गॉशियन ब्लर देना है, और आप अपने हिसाब से ओपेसिटी कम ज़्यादा करके देख लेना, जहाँ पे आपका थंबनेल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगे वहाँ पे रहने देना। बस यही थी हमारा आज का थंबनेल, पर अभी हमारी कुछ चीज़ें और रह रही है, जैसे कि ये वाला पार्टिकल हमने ऐड किया, और इसे क्या करेंगे, अब इसका कलर चेंज कर देंगे, एफएक्स पे आके टिंट दे देंगे, टिंट देना है यहाँ पे आपको येलो कलर का, एंड इतना करने के बाद इसे लीनियर डॉज भी कर सकते हो आप लोग, मैंने यहाँ पे पहले से लीनियर डॉज कर रखा था मैंने, लेकिन आप वीडियो में मैंने नहीं बोला था, इसलिए मैंने अब जाके बोला। अब क्या करना है, आपको सबसे ऊपर वाली लेयर पे चले जाना है, फिर एम्प्टी लेयर निकाल लेनी है, और यहाँ पे आपको टेक्स्ट के ऊपर ब्रश वाले टूल पे जाके आपको कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे ब्रश मार देना है टेक्स्ट के ऊपर, और उसे लीनियर डॉज करके और एफएक्स पे आके गॉशियन ब्लर दे देना है अपने हिसाब से, और ओपेसिटी कम ज़्यादा करके देख लेनी है, जहाँ पे आपका टेक्स्ट अच्छा लगे वहाँ पे छोड़ देना है, फिर दोबारा से यही काम करना है, लेकिन इस बार कलर चेंज कर देना है, येलो कर देना है, फिर दोबारा से लीनियर डॉज करके एफएक्स पे आके गॉशियन ब्लर देना है अपने हिसाब से, गॉशियन ब्लर दे देना है। यहाँ पे हमारा थंबनेल बन के रेडी हो चुका है, पर यहाँ पे हमारा ग्लो हल्का हल्का फुल्का रह रहा है, उसे यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं अपन लोग। इसे भी क्या करेंगे, लीनियर डॉज और एफएक्स पे आके गॉशियन ब्लर दे देंगे, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा है यहाँ पे हमारा थंबनेल देखने में। गाइस तो गाइस बन के रेडी हो चुका है, तो भाई लोग कैसा लगा आज का वीडियो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अब इसे क्या करना है, सिंपली डन पे जाके सेव कर देना है, एंड अपने गैलरी में इसे सेव कर लेना है। तो ये था आज का वीडियो, अगर आपको जाना है R3D जैसे थंबनेल कैसे बनाए, तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और देख लो।